हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर की मृत्यु के बाद बॉलीवुड फिल्म अदाकारा नीतू कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर दिल्ली से मुंबई आ गई थी। उनकी बेटी ने लॉकडाउन का ज्यादातर वक्त अपनी मां के साथ मुंबई में ही बिताया। यहां उनकी बेटी भी उनके साथ थी। इस दौरान रिद्धिमा कपूर और उनकी मां नीतू कपूर की बॉन्डिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल रहीं। इसके बाद रिद्धिमा कपूर अपने दिल्ली स्थित घर के लिए लौट गईं, जबकि फिल्म स्टार रणबीर कपूर इन दिनों अपनी गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट के साथ रह रहे हैं। ऐसे में हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अदाकारा नीतू कपूर ने उस वजह का खुलासा किया जिसकी वजह से वो अपने बच्चों के साथ नहीं रहती हैं। फिल्मफेयर की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब फिल्म अदाकारा से पूछा गया कि वो बिना बच्चों के अपना खाली वक्त कैसे बिताती हैं, तो उन्होंने कहा, मैं चाहती हूँ कि वो अपनी जिंदगी में बिजी रहें। मैं कहती हूँ कि मेरे दिल में रहो, सिर पर मत चढ़ो। जब रिद्धिमा मेरे साथ महामारी के दौरान रही थी तो मैं इतना परेशान थी कि वो वापस नहीं जा पा रही है। मैं बेचैन रहती थी। मैंने बार बार रिद्धिमा को कहा, तुम वापस चली जाओ, भरत अकेला है। मैं उसे वापस जाने के लिए लगातार दबाव बना रही थी। मुझे ऐसी जिंदगी की आदत है। नीतू कपूर ने बताया कि जब रिद्धिमा लंदन पढ़ने के लिए पहली बार गई थी तो वो बहुत रोती थी। कोई भी रिद्धिमा से मिलने गुड बाय कहने आता था तो वो रोने लगती थी, मगर जब रणबीर ने घर छोड़ा तो वो नहीं रोई। नीतू कपूर ने कहा, उसने मुझे कहा कि आप मुझे प्यार नहीं करती हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे बिना बच्चों के रहने की आदत सी पड़ गई थी, इसलिए जब दोबारा ऐसा हुआ तो मैं तैयार थी। मुझे याद है जब वो विदेश पढ़ने के लिए गए थे तो इसने मुझे मजबूत बनाया और मुझे अकेले रहने के लिए तैयार किया। उद्धरण: नीतू कपूर ने कहा कि वो एक आज़ाद महिला हैं, वो नहीं चाहती कि उनके बच्चे उनके आगे पीछे घूमते रहे। उन्होंने कहा, जब वो आते हैं तो मैं खुश हो जाती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वे अपने घर वापस जाएं और जिएं। मैं बस एक बात कहती हूँ, मुझसे रोज मत मिलो, लेकिन जुड़े रहो। मैं नहीं चाहता कि वे हर समय मेरे आसपास रहें। मैं बहुत स्वतंत्र हूँ, मुझे अपने जीवन से प्यार है। सद्भावना पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।